मानो या ना मानो, भारत में कई चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा। ऐसा ही एक चमत्कार धारी देवी के मंदिर में भी देखने को मिला है। इस मंदिर में देवी माता दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, लेकिन इनका गुस्सा भी किसी से छुपा नहीं है। कहते हैं कि केदारनाथ में आया प्रलय धारी देवी के गुस्से का ही नतीजा था। देवभूमि उत्तराखंड के रक्षक के रूप में धारी देवी को जाना जाता है। इस मंदिर में माँ रोजाना 3 रूप बदलती हैं। वह प्रातःकाल कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा का रूप धारण करती हैं। पौराणिक धारणा के अनुसार एक बार भयंकर बाढ़ में कालीमठ मंदिर बह गया था, लेकिन धारी देवी की प्रतिमा एक चट्टान से सटी होने के कारण धारी गांव में बहकर आ गई थी। गांव वालों को धारी देवी की ईश्वरीय आवाज़ सुनाई दी थी कि उनकी प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए, जिसके बाद गांव वालों ने माता के मंदिर की स्थापना वहीं कर दी। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कालीमठ एवं कालीस्य मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है, परंतु धारी देवी मंदिर में काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में स्थित है। लेकिन शांत मुद्रा में दिखने वाली धारी माता के गुस्से को दुनिया ने उस वक्त देखा जब एकाएक देवभूमि पानी में समा गई। उत्तराखंड में हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट के चलते धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था। प्रतिमा जैसी ही हटाई गई, उसके कुछ घंटे के बाद ही केदारनाथ में तबाही का मंजर देखने को मिला। कहते हैं यही माँ काली की कृपा से महाकवि कालिदास को ज्ञान मिला था। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।